Hello everyone, hope you guys are healthy, happy and safe at your home. Moving ahead to our content, that is cash flow statement, and here today we will study indirect method. What happens in indirect method? Indirect method, we even study the non-cash transactions, transactions which are of non-cash nature. Direct method में क्या होता था कि हम gross profit and loss को लेकर चलते थे. Indirect method, what will we do? We will make adjustments regarding net profit or loss for the effects of transactions which are related to non-cash nature. Now, indirect method में क्या होता है? तीनों activities करी जाती है. Operating activities, investing activities and financing activities. All these activities are adjustments are made under indirect method. ओके, इनडायरेक्ट मेथड का जो बेसिस होता है वो होता है एक्यूरल बेसिस. ओके, हम एक्यूरल बेसिस में क्या होता है, वेदर अर्नड और नॉट. ओके, वेदर डन और नॉट, इफ द पेमेंट इज ड्यू और मेड, हम क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड कर लेंगे. एक्यूरल बेसिस में क्या होता है, ट्रांजेक्शन क्रेडिट के बेसिस पे होती है. नाउ फर्दर इसमें क्या है, जो AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट किससे होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से होता है. नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इनडायरेक्ट मेथड में क्या कहता है, लेट अस स्टडी दिस. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 अंडर इनडायरेक्ट मेथड सेज दैट जो ये नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है, इसको हम डिटरमाइन करते हैं. कैसे करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड में किस चीज का एडजस्टमेंट होता है, नेट प्रॉफिट एंड लॉस का होता है. ओके, हम यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लेते हैं. व्हाट वी टेक इज द नेट प्रॉफिट एंड लॉस. कीप दिस थिंग इन वेरी इन योर माइंड वेरी इफिशियंटली दैट हियर वी हैव टू मेक द एडजस्टमेंट्स बाय नेट प्रॉफिट एंड लॉस. ओके, एंड व्हाट आर द आइटम्स ट्रांजेक्शंस विच इफेक्ट एक्टिविटीज अंडर इनडायरेक्ट मैथड. अब देखिए, जितनी भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स और यस डेप्रिसिएशन में क्या होता है, हमारे एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होती है. ओके, इज दैट, तो वो ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं, बट दैट ट्रांजेक्शन इज नॉट इन कैश ट्रांजेक्शन, बट इवन वी नोट डाउन दिस ट्रांजेक्शन अंडर इनडायरेक्ट मैथड. गुडविल रिटर्न ऑफ, वेन एवर वी राइट ऑफ गुडविल एज क्या होता है, जब हम अपने अकाउंट्स का रिवोल्यूशन बनाते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, गुडविल की वैल्यू जब भी हमें इवेल्युएट करनी पड़ती है, एसिस वट एवर द सिचुएशन इज, वेदर एडमिशन रिटायरमेंट और रिवेल्यूशन डिसोल्यूशन वट एवर, वेन एवर गुडविल इज रिटर्न ऑफ दैट ट्रांजेक्शन इज ए नॉन कैश ट्रांजेक्शन. गुडविल की वैल्यू हम लिखते हैं उसमें कि हमारी गुडविल की वैल्यू इतनी है, बट एक्चुअल में we don't get the cash value of goodwill, then those cash non-cash items are also recorded under this method. This method means indirect method. All those provisions and deferred taxes means which need to be paid. Now next items kya hain jo ki yahan pe effect karenge hamare investing or financing activities, jo bhi cash flow ho raha hai, कैश फ्लो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है रिलेटिंग टू इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, इसका भी ट्रीटमेंट होगा इनडायरेक्ट मेथड में. अनदर थिंग, ओके, करेंट अकाउंटिंग ईयर में जितनी भी करेंट एसेट एंड लायबिलिटीज का कैश फ्लो हो रहा है, कैश फ्लो मीन्स चेंजेस हो रहे हैं, इनफ्लो एंड आउटफ्लो हो रहा है, वेदर दोज इनफ्लो एंड आउटफ्लो आर कैश ट्रांजेक्शन और नॉन कैश ट्रांजेक्शन, will be recorded under indirect method. Now, indirect method का जो statement है इसमें ये likewise हमारे जो direct method है वैसा ही है. इसमें difference ये है कि इस statement में हमारे पास investing and financing activities भी आ जाती है. Second thing, यहाँ पे
जो एडजस्टमेंट है वो नेट प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिस पे होता है, जो कि डायरेक्ट मेथड में नहीं लिया जाता था। नाउ यहां पर मैंने कुछ मार्जिन्स बनाए हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। यहाँ पे टू कॉलम्स लिखे हैं अमाउंट्स के, जो फाइनल अमाउंट का कॉलम है वो हमारा ये वाला कॉलम है, दिस वन, एंड दिस कॉलम इज फॉर ऑल द एडजस्टमेंट विच आर मेड अंडर द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दिस अमाउंट इज फॉर ऑल द एडजस्टमेंट विच आर मेड अंडर द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। वेट अ मिनट, एंड नाउ इट्स क्लियर, एंड हियर वी गो। इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे पास तीनों ही एक्टिविटीज हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जितने भी इनफ्लो आउटफ्लो हैं वी विल नोट इट डाउन। क्वेश्चन में हमारे पास जितने भी आइटम्स होंगे हम उनको यहाँ पर लिखेंगे, लाइकवाइज इन्वेस्टिंग लिखेंगे एंड देन फाइनेंसिंग लिखेंगे, देन वॉट एवर देयर इज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कैश वी विल नोट इट डाउन हेयर। देन कैश एट बिगनिंग पीरियड, कैश एट द एंड पीरियड, ओके, इन दोनों का डिफरेंस ही हमारा इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है, जो कि यहां पर नोट किया गया। कहीं कहीं पे हम इसे क्या करते हैं, लास्ट में भी लिखते हैं। नाउ हेयर यू विल सी टू कॉलम्स ऑफ अमाउंट। नाउ इस टू कॉलम में राइट हैंड साइड पे जो कॉलम है, दिस वन, दिस इज अ फाइनल अमाउंट, फाइनल अमाउंट, ओके, यहां पे जो अमाउंट है दिस इज फॉर ऑल द एडजस्टमेंट मेड अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये जो अमाउंट है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जितने भी आइटम्स हैं उन सब का एडजस्टमेंट्स करके वेदर वी हैव टू इंक्रीज और डिक्रीज दोस एडजस्टमेंट्स आर मेड हेयर। नेक्स्ट इज लाइकवाइज इन्वेस्टिंग एंड देन फाइनेंसिंग। इन मेनी टाइम्स क्या होता है कि हम दो अकाउंट्स ना बनाकर अमाउंट का एक ही अकाउंट बनाते हैं, वो होता है फाइनल अकाउंट, एंड जो भी एडजस्टमेंट्स होती हैं, जो भी कैलकुलेशंस होती हैं रिगार्डिंग ऑल अदर अमाउंट्स, उनको हम वर्किंग नोट में सेपरेटली सॉल्व करते हैं, ओके। नाउ दिस इज अ फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में मैंने हेडिंग्स लिखी हैं, लिस्ट नोट डाउन नहीं करी है। लिस्ट के लिए हम नेक्स्ट फॉर्मेट में जाते हैं, एंड हेयर इट इज। इन दिस फॉर्मेट यहां पे एक्टिविटीज के अंडर जितनी भी आइटम्स आते हैं वो सारे आइटम्स यहां पर नोट कर रखे। सो ये आपके लिए इफेक्टिव है, बेनिफिशियल है, दिस आई विल सेंड यू इवन इन योर नोट्स। नाउ एक बार इसको पढ़ लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कौन से आइटम्स आते हैं ये मैंने आपको पहले ही बताया है, जितने भी कैश इनफ्लोज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से लेकर रिलेटेड होते हैं, यानी कि हमारे ऑपरेशंस, ओके, करेंट ईयर में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, ओके, रिलेटेड होते हैं, उनको हम क्या करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नोट डाउन करते हैं। जितने भी कैश फ्लो हो रहे हैं, कैश फ्लो मींस इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। नाउ दीज इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज क्या हो सकते हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज हो सकते हैं। इंक्रीज यानी कि जो कि हमारे ऑपरेशंस की एक्टिविटीज, ऑपरेशंस यानी कि ऐसे आइटम जो कि हमारी ऑपरेटिंग जो अमाउंट है उसको इंक्रीज कर रहे हैं, एंड कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो कि हमारे ऑपरेटिंग प्रोसेस को डिक्रीज करते हैं, उनको हम उन्हीं के वे में नोट डाउन करेंगे। इफ इट इज इंक्रीज, ओके, व्हाट विल वी डू, वी विल ऐड दिस। इफ इट इज डिक्रीज व्हाट विल वी डू, वी विल सबट्रैक्ट इट। यहां पर यही चीज हुई है, जो भी चेंजेस है अकाउंट में जो कि इफेक्ट करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को, ऑपरेशंस मींस, यहां पे ऑपरेशन का क्या मतलब है, हेयर द वर्ड ऑपरेशन मींस टू ऑपरेट, टू ऑपरेट, टू वर्क, वर्क इन प्रोग्रेस में जो भी आइटम्स, जो भी अमाउंट लगता है उसको
हम यहाँ पे ऑपरेशंस बोलते हैं. नाउ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में भी हम वट एवर इन्वेस्टिंग ना उसी कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी हमारा एक्सपेंडिचर है ओके इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. वाई? बिकॉज दिस एक्सपेंडिचर इज यूज फॉर अवर फर्दर ईयर्स ऑल्सो. नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट वी आर हैविंग मोर एक्टिविटीज, सेल इक्विपमेंट. सेल इक्विपमेंट इज ऑल्सो एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. वाई? बिकॉज दैट इक्विपमेंट्स आर यूज फॉर मोर देन वन ईयर, इट इज एन इन्वेस्टमेंट टू अवर फ्यूचर ईयर्स. नाउ गोइंग टू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या होता है, हमारे जो डेब्ट होते हैं वो सब किसमें आते हैं, जो डेब्ट होते हैं, जो डिविडेंड होते हैं, जो लॉन्ग टर्म जितने भी डेब्ट्स होते हैं ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आते हैं. जो शेयर्स होते हैं ये सब किसमें आते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आते हैं. सो ये सारे कैश फ्लोस रिलेटेड हम क्या करेंगे, इस एक्टिविटीज में लिखेंगे. नाउ इंक्रीज एंड डिक्रीज, जितना भी नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज हुआ है उसको हम यहां पे कैलकुलेट करके लिखेंगे. नाउ आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट में इतना ही है. नेक्स्ट क्या है, हम इसमें एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे एंड टिल देन आप क्या करेंगे, आप इसको खुद से इसका रिवीजन करेंगे. यू विल स्टडी इट विद योर हेल्प एंड आपके पास अब एनसीईआरटी की बुक्स अवेलेबल है. आप उसे जितने भी न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड है यू विल ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ. नाउ टिल देन गुड लक, हैव अ नाइस डे एंड